वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है और कुछ नई स्लैब पेश की, लेकिन इसी के साथ कुछ शर्तें भी लगा दी। सबसे पहले देखिए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वाले को 5% टैक्स देना होगा। 5 से 7.5 लाख रुपए की सालाना आय पर 10% कर का भुगतान करना होगा। 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की कमाई पर 15% टैक्स का भुगतान करना होगा। पुरानी व्यवस्था में कर की दर 20% थी। 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए की सालाना आय पर नई टैक्स व्यवस्था में 20% का भुगतान करना होगा, जो पहले 30% था। 12.5 से 15 लाख रुपए की सालाना आय पर अब 25% टैक्स का भुगतान करना होगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। 0 to 2.5 lakh exempt now will be exempt in the new scheme also. 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5% now will be 5% in the new tax rate. 5 to 7.5 lakhs, 20% now will become 10% in the new rate. 7.5 to 10 lakhs, 20% now will be 15% in the new. 10 to 12.5 lakhs, 30% now will now come to 20%. 12.5 to 15 lakhs, 30% now, 25% in the new rate. Above 15 continues at 30%. इस नए टैक्स स्लैब से आपको कितनी बचत होगी, अब ये देखते हैं। 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय वालों को पहले 50,000 रुपए का टैक्स देना होता था और अब उन्हें 25,000 रुपए टैक्स देने होंगे। इस तरह 25,000 रुपए का फायदा होगा। 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 1 लाख रुपए तक टैक्स देना होता था, जो घटकर 62,500 रुपए हो जाएगा। इससे 37,500 रुपए का फायदा होगा। 12.5 लाख रुपए तक की आय वालों को 1,75,000 रुपए टैक्स देना होता था, जो घटकर 1,12,500 रुपए हो जाएगा, यानी 62,500 रुपए का फायदा होगा। 15 लाख रुपए तक की आय वालों को 2.5 लाख रुपए टैक्स देना होता था, जो अब घटकर 1,75,000 रुपए हो जाएगा, यानी उन्हें 75,000 रुपए का फायदा होगा। हालांकि नए टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं वो भारी शर्तों के साथ हैं। अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसे कुल 70 मुद्दों पर छूट ले रहे हैं तो नए स्लैब में आने पर उन्हें छोड़ना होगा। और अगर आप टैक्स पर इन्वेस्टमेंट वाली छूट लेते हैं तो टैक्स की पुरानी दर से ही टैक्स देने में आपका फायदा है। मान लें कि आपकी सालाना आय 15 लाख रुपए है और आप किसी तरह के डिडक्शंस का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आपको सालाना 2,73,000 रुपए की जगह अब 1,95,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इससे आपको 78,000 रुपए का फायदा होगा। अगर आपने 80C छूट ली तो आपको सालाना 2,26,200 रुपए की जगह 1,95,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। इससे आपको 31,200 रुपए का फायदा होगा। अगर आपने 80C और 80D की छूट ली तो सालाना 2,10,600 रुपए की जगह 1,95,000 रुपए टैक्स भरने होंगे, जिससे 15,600 रुपए का फायदा होगा। लेकिन यही फायदा तब नुकसान में बदल जाएगा जब आप 80C और 80D के साथ होम लोन का भी लाभ पिछले स्लैब में ले रहे हैं और नए स्लैब में आएंगे। मान लें कि आपकी सालाना आय 15 लाख रुपए है और आप 80C और 80D के साथ होम लोन ले रहे हैं, तो पहले सालाना 1,48,200 रुपए के बदले 1,95,000 रुपए का नया टैक्स देना होगा, जिससे आपको 46,800 रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में आपके लिए पुराने स्लैब से टैक्स भरना ही फायदेमंद होगा।